अंबाला में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई राज्यों से आए पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने हरियाणा सरकार के समक्ष एक मांग रखी है, जिसमें कहा गया है कि अमृतसर की तर्ज पर कुरुक्षेत्र में आजाद वाल्मीकि तीर्थस्थल स्थापित किया जाए। मीडिया से बात करते हुए भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के सर्वोच्च निर्देशक चंद्रपाल अनार्य ने कहा कि इस मांग को लेकर वो हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक पत्र भी सौंप रहे हैं, जिसमें जल्द ही वाल्मीकि तीर्थस्थल कुरुक्षेत्र में बनाने की मांग की जाएगी। वहीं जानकारी के मुताबिक 24 फरवरी को दिल्ली में वाल्मीकि समाज राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। इसको लेकर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के सर्वोच्च निर्देशक चंद्रपाल अनार्य ने कहा कि अधिवेशन में इस बात का फैसला लिया जाएगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी को उनका समर्थन जाएगा। उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक पार्टियों से उनकी बातचीत चल रही है और 24 तारीख को यह फैसला लिया जाएगा कि किस पार्टी में उनके समाज के हितों की रक्षा की जा सकेगी। और पहला हमारा वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर, जो कि प्रस्ताव हम लोगों ने पास किया था कि भगवान वाल्मीकि महाराज का आश्रम सरोवर के बीच बनना चाहिए, भगवान वाल्मीकि महाराज की भव्य मूर्ति स्थापित होनी चाहिए, वो हुई। इसके साथ ही हमारा दूसरा यहाँ कुरुक्षेत्र में भगवान वाल्मीकि महाराज का आश्रम है, तीर्थ है हमारा, तो बड़ा ऐतिहासिक है। यहीं भगवान वाल्मीकि महाराज ने पांडवों के यज्ञ में शंख जो है बजाया था। और आज हमारे इसी के साथ ही हमारा और 24 भी हैं, उनके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अब हमने हरियाणा में ये प्रस्ताव पास किया है कि वाल्मीकि तीर्थ हमारा कुरुक्षेत्र ठीक पंजाब की तर्ज पर ही बनना चाहिए, क्योंकि इस काफ़ी लंबे समय से वाल्मीकि समाज इस तीर्थ से जुड़ा हुआ है, वहाँ पूजा पाठ करता है, इतिहास में दर्ज है। तो हमने इस कड़ी में ये बैठक इसलिए बुलाई कि हमने इस आंदोलन को शुरू करना है और हमने जल्दी एक मांग पत्र जो है मुख्यमंत्री को देना है और हमारे समाज के भी एक मंत्री हैं कृष्ण बेदी जी, उन्हें भी देना एक मांग पत्र और अपने पूरे शक्ति से पूरी श्रद्धा रास्ता से अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी विल फाइट। तो हम जो है इसमें पूरे संवैधानिक तौर से चाहेंगे कि ये हमें आजाद चाहिए उसी तरह पे जैसे पंजाब में हुआ। सत्य खबर के लिए अंबाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।